रोबोटिक्स को एक नए स्तर पर ले जाते हुए लखनऊ की मोहसिना आरिफ मिर्जा भारत की पहली ड्रोन गर्ल हैं, जिन्हें बचपन से ही रोबोटिक्स और ड्रोन का शौक था। मिर्जा ने उन बच्चों को पंख प्रदान करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया है जो अब देश के हर क्षेत्र में उड़ान भर सकते हैं। वो न केवल प्यार करने वाली और एक प्रेरणादायक शिक्षक हैं, बल्कि एक पेशेवर ड्रोन निर्माता भी हैं। वे स्काई डाइवर हैं और अपने ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखती हैं। उन्होंने लखनऊ के ला मार्टिनियर कॉलेज में ड्रोन विभाग के प्रमुख के रूप में अपना करियर शुरू किया। 2016 में मिर्जा ने इनवेरो टेक्नो रोबोटिक्स एंड फ्लाइंग क्लब की स्थापना की और तब से कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मुझे एरो मॉडलिंग का शौक स्कूल लेवल पे था और मैंने बहुत सारी चैंपियनशिप स्कूल लेवल पे ही जीती थी, तो शायद कहीं ना कहीं ये जो हॉबी और पैशन थी ये प्रोफेशन बन गया और लखनऊ के अंदर मैं मोहसिना लैब अ यूनिट ऑफ इन्वेरो टेक्नो रोबोटिक्स एंड फ्लाइंग क्लब नाम का एक क्लब चलाती हूँ, जहाँ पर हम स्टेम किट्स का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। स्टेम मीन्स साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, और ड्रोन किट्स का मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं और हम स्कूल्स और इंडिविजुअल्स को सप्लाई करते हैं। हमारी जो टीम है वो स्कूल्स टू स्कूल विजिट करती है, वर्कशॉप्स करती है, सेंटर्स पर भी वर्कशॉप करती है, जहाँ बच्चों को कोई भी दिक्कत रिलेटेड टू स्टेम किट्स या ड्रोन से आ रही होती तो हम उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। मोहसिना मिर्जा वर्तमान में लखनऊ में CBSE स्कूलों की श्रृंखला के साथ प्रोग्राम हेड के रूप में काम कर रही हैं। भारत में कई छात्रों के साथ ही मिर्जा दुनिया भर के छात्रों को सिखाती हैं कि कैसे ड्रोन को बनाया जा सकता है, उड़ाया जा सकता है, साथ ही इसके लिए उन्हें तकनीकी जानकारी भी देती हैं। अभी तक तो शायद मैं मिलियंस ऑफ बच्चों को ट्रेन कर चुकी हूँ, ना कि केवल इंडिया के अंदर बट डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, इंडिया, सिंगापुर, UAE, UK, यहाँ मैं डिफरेंट वर्कशॉप्स ले चुकी हूँ बच्चों की। और अभी रिसेंटली हम लोग 2019 में नासा किड्स प्रोग्राम में भी गए थे हमारे बच्चे और उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और आउट ऑफ 400 चिल्ड्रन जो डिफरेंट कंट्रीज से आ रहे थे, हम सेकेंड चैम्पियनशिप इंडिया लेकर आए थे ट्रॉफी की। विशेष बच्चों या किसी भी प्रकार की विकलांगता या डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों को भी ड्रोन बनाने के लिए प्रशिक्षित किया गया है, जिसके लिए मिर्जा को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सम्मानित भी किया गया है। मैंने बहुत रिसर्च के बाद एक सेंसरी स्टेम किट्स का रिसर्च करके बनाया, और उस किट्स के अंदर हम स्टेप बाय स्टेप लीगो की तरह बच्चों को ट्रेन करते हैं ताकि वो अपने खुद सेल्फ मेड DIY किट से ड्रोन बना सकें, रोबोट्स बना सकें, मिनी ह्यूमनॉइड्स बना सकें। और आपको बहुत ताज्जुब होगा ये सुन के कि वो बच्चे जो लिख नहीं सकते हैं, पढ़ नहीं सकते हैं, उन्होंने बेहतरीन रोबोट्स बनाए थे। 2018 में हमने एक वर्कशॉप की थी और उसका हमने पूरा जो 50 बच्चों ने डिफरेंट तरीके के रोबोट्स और ड्रोन्स बनाए थे उसका डिस्प्ले किया था हमने। मोहसिना ने शहर के सैकड़ों स्कूलों में रोबोटिक्स लैब, एविएशन और फ्लाइंग तकनीक की शुरुआत की है। लैब में छात्र स्वनिर्मित रोबोट, क्वाड कोपर, RC शिल्प, रोबोट जहाज, रोबोट कार और रॉकेट संचालित करना सीखते हैं। 4 से 15 वर्ष की आयु के छात्र मोहसिना मिर्जा द्वारा आयोजित कार्यशालाओं में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। ब्रिटेन में अध्ययन के बाद मिर्जा ने अपने करियर के लिए ड्रोन जैसे एक अनोखे क्षेत्र को चुनने का फैसला किया। शिक्षा की पारंपरिक शैली को अपनाने के बजाय वे कुछ अलग करने, दुनिया में आविष्कार और नवाचार लाने और शिक्षा की एक नई शैली का परिचय देने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। मिर्जा का मानना है कि अगर आप कुछ हासिल करने की इच्छा रखते हैं तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। उनका दर्शन ये रहा है कि यदि कोई कुछ हासिल करने का प्रयास करता है और दैनिक जीवन में उसी के अनुसार कार्य करता है तो वो जीवन में कुछ भी जीत सकता है और जहाँ चाहे पहुँच सकता है। ब्रिटेन से नवाचार और प्रबंधन में मास्टर डिग्री रखने वाली ड्रोन गर्ल को अपने काम के लिए कई कॉफी टेबल बुक में चित्रित किया गया है। 2017 में मिर्जा ने स्काई डाइविंग के विशेषज्ञ के लिए दुबई से स्काई डाइव त्वरित फ्रीफॉल कोर्स किया और उस कला में भी महारत हासिल की। अब वो महिलाओं और लड़कियों को स्काई डाइविंग में 13,000 फीट की ऊंचाई तक प्रशिक्षित करती हैं, जो इनवेरो टेक्नो रोबोटिक्स एंड फ्लाइंग क्लब द्वारा आयोजित की जाती है। अपने सपने और शौक का पीछा करते हुए मोहसिना मिर्जा ने एक ऐसा क्षेत्र चुना जो अभी भी कई चुनौतियों का सामना कर रहा है।
और भारत में जहां पुरुष भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में बहुत पीछे हैं, लेकिन रोबोटिक्स और ड्रोन के लिए उनका समर्पण और जुनून ने पहले ही कई पुरस्कार जीते हैं और खूब प्रशंसा भी पाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत। 2400 घंटे लगातार खबरें देखने के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप।